बारिश का मौसम आते ही एक प्रॉब्लम जो हर हाउसवाइफ को फेस करनी पड़ती है वो है कि अपने घर के गीले कपड़े वो कहाँ पे सुखाएं, क्योंकि बाहर धूप नहीं आ रही है, वातावरण में काफी सारी नमी है, अपने जो गीले कपड़े हैं वो आसानी से सूखते नहीं, और अगर हम घर में रस्सी बांध के उन्हें सुखाएं तो काफी सारी इनकन्वीनियंस सबको हो सकती है। तो आज हम ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, आपको घर में रस्सी नहीं बांधनी पड़ेगी, घर में आप कपड़े सुखा सकते हैं फैन के नीचे। तो आइए इस प्रोडक्ट को ओपन करें, अनबॉक्स करें और इसे रिव्यू करें। तो हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था TNC कंपनी का स्टील क्लोथ ड्रायर स्टैंड, जो हमको कल ही डिलीवर हुआ है। तो आइए इसे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने इसको पूरी तरीके से ओपन कर लिया है। सारे जो पार्ट्स हैं इन्होंने अलग अलग दिए हुए हैं और हमें इसे असेंबल करना होगा। तो असेंबल करने के लिए इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन लीफलेट दिया है हमें। हमें इस इंस्ट्रक्शन लीफलेट को फॉलो करना होगा और इसे पूरी तरीके से असेंबल करना होगा। तो असेंबल करते हुए हम आपको बताएंगे और आपको डिटेल फीडबैक देंगे कि हमें ये ओवरऑल असेंबलिंग प्रोसेस से लेके ये प्रोडक्ट कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से इंस्टॉल कर लिया है। जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो ठीक ठीक थे। आप अकेले में इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। दो लोग की मदद से आप इसको अच्छे से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो जो प्लास्टिक मटेरियल्स आप देख सकते हैं अलग अलग जंक्शंस पे जो यूज हुआ है, उसकी क्वालिटी ठीक ठीक सी है। बहुत ज़्यादा स्टर्डी या बहुत स्ट्रांग नहीं है। स्टेनलेस क्वालिटी भी डिसेंट है, बुरा नहीं है। तो बात करें इसके फाउंडेशन एरिया की, तो जो फाउंडेशन एरिया है हमें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, बिकॉज आप देख सकते हैं जब भी हम इसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं ये बहुत स्टर्डी नहीं है, बहुत अच्छे से ग्रिप नहीं पकड़ पा रहा है। और अगर जब हम इसके ऊपर कपड़े सुखाएंगे, गीले कपड़े सुखाएंगे, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो कंपनी का MRP 6000 रुपीज़ है। ये हमें करीबन पड़ा है 1600 रुपये में, तो ये ठीक सा प्रोडक्ट है इस प्राइस में। पर अगर मुझे इसे रेट करना हो तो आप डेफिनेटली इसे यूज कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। बट हम चाहेंगे कि जो बेस हो वो स्ट्रांग हो, बिकॉज यही डिफाइन करेगा कि हमारा ये प्रोडक्ट कितने अच्छे से हम यूज कर पाएंगे और कितना लंबा हमें चलेगा। जो अच्छी बात हमें लगी कि आप देख सकते हैं जो इसके जॉइंट्स हैं वो मल्टीपर्पज है। जब भी आपको कपड़े सुखाने हैं इसके ऊपर आप सुखाएंगे, और जब भी आपको नहीं चाहिए तो आप पुल आउट करिए, और इसको आप जैसे ही पुल आउट करेंगे आप इसको फोल्ड करके अच्छे से वापस स्टोर बैक कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज डायमेंशंस आपको देता है ये प्रोडक्ट। डेफिनेटली वर्थ द प्राइस है, लेकिन इसकी क्वालिटी को बहुत अच्छा ये लोग इम्प्रूव कर सकते थे ताकि और स्टेबिलिटी मिलती और अच्छा लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट बना पाते। कंपनी जो MRP क्लेम कर रही है वो बहुत ज़्यादा दिख रही है, बट अगर हम ऑनलाइन देखें, डिस्क्रिप्शन में हमने इसके लिंक्स दे दिए हैं इसी प्रोडक्ट के बारे में और सिमिलर दूसरे प्रोडक्ट जो आप परचेज कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये 1500 टू 1800 के रेंज में मिल जाएगा। और डेफिनेटली बात करें बारिश में, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कपड़ा सुखाने के लिए, तो ये मूवेबल स्टैंड्स है, पोर्टेबल स्टैंड्स है। जब भी आपको सुखाने, आप रखिए अपने लिविंग रूम में, जैसे कपड़े सूख जाते हैं आप इसको अच्छे से स्टोर करके वापस स्टोर रूम में रख सकते हैं। कहीं ना कहीं एक डिसेंट परचेस है। अभी तक अगर आपने इसको नहीं खरीदा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक्स हमने दे के रखे हुए हैं, डिस्काउंटेड लिंक्स है, जाके इसे परचेस करिए और यूज़ करिए। तो अगर आप हमारे चैनल पे फ्रेंड्स नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देखते रहें। दूसरे दूसरे प्रोडक्ट्स और रेसिपी वीडियोस हम बनाते हैं और आप तक जेन्युइन फीडबैक और ओपिनियन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमें एंकरेज करने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। शुक्रिया।